भैयाओं, पिछले हफ्ते हमने बर्मूल भाग जिसे बर्मूल करना बताया था, अब हम बताते हैं आगे भाग से बर्मूल। और पहला सवाल अभी बताया, भाग से बर्मूल नहीं बताया था, वो बता रहे हैं। पिछले बार गुणनखंड विधि से बताया था, गुणनखंड विधि से पूर्ण गुण वर्ग संख्याओं के वर्गमूल होते हैं, भाग विधि से पूर्ण वर्ग के भी हो सकते हैं और जो पूर्ण वर्ग नहीं हैं उनके भी वर्गमूल निकाले जा सकते हैं। बड़े ध्यान से अध्ययन कीजिए, नियमित काम कीजिए, यही हमारी आशा है। नियमित काम करिए, रोजाना काम करिए और आगे अभ्यास करते जाइए, तभी सफलता मिलेगी। अन्य चक्रों में मत पड़िए, हम यहाँ का काम कर लें, यहाँ का विद्यालय का काम नहीं करेंगे। कापी बनाइए और काम करते जाइए। 44, 89 का वर्गमूल निकालना है। तो अब हमारे पास दो तरह की संख्याएँ होती हैं जिनमें अंकों की संख्या या तो सम होगी या विषम होगी। अगर सम होगी तो जोड़े आसानी से बन जाएंगे, विषम न होगी तो जोड़े आसानी से नहीं बन पाएंगे। तो जब विषम होगी तो हम की आगे जो संख्या है उसमें एक जीरो लगा देते हैं तो हमारी सम हो जाती। पीछे नहीं लगाएंगे, इकाई की तरफ नहीं लगाएंगे, पीछे की तरफ एक जीरो लगा देंगे तो ये विषम की भी सम हो जाएगी, क्योंकि ये सम संख्या है। अंकों की संख्या सम है, अतः अंकों की संख्या कम है, सम है। संख्या सम नहीं है, अंकों की संख्या सम है, इसलिए जोड़े बनाएंगे। एक जोड़ा बनेगा 89 का और एक जोड़ा बनेगा 44 का। अब हमें वर्ग का पहाड़ा याद करना पड़ेगा। वर्ग का पहाड़ा होता है, एक का वर्ग एक होता है, दो का वर्ग चार होता है, तीन का वर्ग 9 होता है, चार का वर्ग 16 होता है, पाँच का वर्ग 25 होता है, छः का वर्ग 36 होता है, सात का वर्ग 49 होता है, आठ का वर्ग 64 होता है और 9 का वर्ग 81 होता है। इसके बाद इसमें 10 का वर्ग को ले नहीं सकते क्योंकि 3 अंक आ जाएंगे। 10 का वर्ग 100 होता है और 11 का वर्ग 121 होता है। ऐसे 25 तक के वर्गमूल हमें याद करने पड़ेंगे। अब हम ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे कि 44 से ज़्यादा ना हो। तो हमारे वर्ग का पहाड़ा पढ़ा कि 44 से अधिक ना है। एक का वर्ग एक होता है, दो का चार होता है, तीन का 9 होता है, चार का 16, पाँच का 25, छः का 36, सात का 49, 44 से ज़्यादा है, इसलिए हम सात को नहीं लेकर के 6 लेंगे और 6 यहाँ रख लेंगे और 6 का गुणा 6 में करेंगे तो बराबर 6 6 36, और इसको घटा देंगे तो घटाने पर आया हमारा 8। फिर ऊपर से जोड़ा उतारा जाएगा। वो जोड़ा उतारने में क्या करना है कि निशान नहीं लगाते। जो कुछ हमने कुछ दिन देखा था कि एक सौरभ नाम के बालक ने एक निशान लगा के वो नीचे उतारा था, तो निशान लगा कर नहीं उतारना है, ये गुमराह करते हैं लोग, इसलिए बताएं निशान नहीं लगते। 89 उतारा हमने और 89 उतारने के बाद 889 हो गया। अब हमारा 889 हो गया, हम एक अंक छिपा लेते हैं और छिपाने के बाद ये 6 और 6 जोड़ने पर 12 आया और 12 का हम एक अनुमान लगाते हैं। 12 8 96 पहाड़ा पढ़ने के 28 से ज़्यादा ना हो तो 12 8 96 12 84 तो 6 आया, 12 72 74 सात आया। तो सात हमने यहाँ रखा और सात हमने यहाँ रखा नीचे और उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। ये हम अलग से करके देखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा हो गया तो एक यहाँ कम कर लेंगे, अगर और ज़्यादा हुआ तो और कम कर लेंगे। तो ये हम अलग से प्रक्रिया अपनाएंगे। ये अनुमान है, ये सात हम कहाँ से लाए हैं, ये अनुमान करके लगाए हैं। तो सात का गुणा किया तो हमारा आया 889, यानी एक ही बार में फिट हो गया तो यानी सही हो गया, 6 पर 0। अतः ये पूर्ण वर्ग संख्या है, ये सिद्ध हो गया। तो 189 का वर्गमूल ±67, वर्गमूल हमेशा प्लस माइनस में आता है। सात बार गया तो 12 के सात लिखना होगा, 12 के आगे सात लिखना होगा और 12 के 127 हो जाएगा और 127 में सात का गुणा कर दिया जाएगा तो 889 प्राप्त हो जाता है। ये नियम है, याद रखिएगा। अगला सवाल है 27 225। इसमें इस अंकों की संख्याएं विषम है तो हम आगे एक जीरो लगा देंगे, यानी सम बनाने के लिए उसके
आगे संख्या के बाई ओर एक जीरो लगा देंगे। इकाई की लगाएंगे तो सही नहीं होगा, क्योंकि फिर संख्या 10 गुना हो जाएगी, और आगे जीरो लगाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम जोड़े बनाएंगे तो जोड़े बनाने पर एक 25 का जोड़ा बनेगा, एक 25 का बनेगा, दूसरा 72 का बनेगा और तीसरा 2 का बनेगा। अब क्योंकि ये 0 2 है तो हम पहाड़ा पड़ेंगे वर्ग का, तो 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का 4 होता है, तो ज़्यादा हो जाएगा, 1 ही ले लेंगे। 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 1 का 1 आया, वो बचा भी 1। अब हमने पूरा ऊपर से 72 उतारा, तो 72 उतारने पर अब हम 1 छिपा लेंगे और 2 का भाग हम 17 में देंगे, तो 2 8 16 आ रहा है। जब हम 2 के आगे 8 लगाएंगे तो 28 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 में तो ज़्यादा आएगा। फिर हम क्या करेंगे, एक नंबर कम कर देंगे और 27 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 में 7 में, 71 यहाँ भी कम करेंगे, यहाँ भी कम करेंगे, 27 का गुणा करेंगे 7 में तो भी ज़्यादा आ रहा है 172 से। तो फिर हम 26 का एक और कम करेंगे तो 26 का गुणा 6 में करेंगे, यहाँ भी कम करेंगे और यहाँ भी कम करेंगे, तो 26 का गुणा 6 में करेंगे तो आएगा 156, और दोनों को घटाया तो बचा 16। ऊपर की जोड़ा उतारा जाता है, पूरे 2 अंक उतारे जाते हैं, भाग में 1 उतारते हैं और वर्गमूल में पूरा एक जोड़ा यानी एक पूरा पेयर उतारते हैं, तो 16 से 25 हो गया। अब यहाँ पर हमारा इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 26 और 6 32, यहाँ तो गुणा करते हैं लेकिन इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 32 आ गया। अब 32 का भाग किया हमने 162 में तो 5 बार गया, तो 32 पंच 160 5 आया, 5 हमने यहाँ रखा और यहाँ रखा, तो दोनों का गुणा कर दिया तो ये हमारा 1625 आ गया, यानी क्रॉस हो गया और शेष पर 0 बचा। ये संख्या भी पूर्ण वर्ग है। पुनः हमने 49 37 284 का वर्गमूल निकाला। यहाँ पर अंकों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 है, यानी विषम है, तो हमने एक आगे 0 बढ़ाया और इनके जोड़े बना ले, 84 का बना, 72 का बना, 93 का बना और 04 का बना। अब जो 04 हम वर्ग का पहाड़ा बढ़ते हैं, 2 का 1 का 1 2 का 4 3 का 9 ज़्यादा हो गया, तो 2 2 4 4 2 हमने यहाँ रखा और हमने यहाँ रखा, और 2 का 2 में गुणा करके 4 यहाँ रख दिया, और एक क्योंकि 2 आ रहा था तो हमने ऊपर रख दिया, ऊपर बहुत्तर आ रहा है, तो 2 2 4 इन दोनों को जोड़ा जाता है और इन दोनों को घटाया जाता है, तो घटाने पर 0 बचा। हमने ऊपर से 93 उतारा तो हो गया 0 93। अब हमने यहाँ पर 2 जोड़ने पर 4 आया, तो 4 का हमने 9 में भाग किया तो 2 आया, 4 2 8 2 हमने ऊपर रखा और 2 हमने यहाँ रखा, तो 2 2 4 और 2 6 8 गुणा किया 84 हो गया। 84 में तो को 93 से घटाया तो 9 बचा, और हमने 72 ऊपर से उतार लिया तो हो गया 972। फिर हमने यहाँ पर इन दोनों को जोड़ लिया तो 42 2 44 आ गया, 44 2 88 होता है, 2 आया, 2 का 2 में फिर हमने यहाँ पर लिखा 2 आगे 2 लिखते हैं और 2 का गुणा करते हैं, तो 2 2 4 और 2 6 8 2 6 8 तो आया 884 बचा हमारा, 88 बचा, 88 बचा 84 का जोड़ा उतारा, तो फिर हमने यहाँ पर इन दोनों को जोड़ा, 442 में 2 जोड़ा, 442 में 2 जोड़ा तो 444 हो गया। फिर हमने 444 का 888 में भाग किया तो हमारा छपा करके भाग करते एक अंक, तो 888 आ गया, 2 यहाँ रख दिया, या तो पूरा आ गया या कमाया, इससे टेंशन नहीं है, ज़्यादा नहीं आना चाहिए, और 2 यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, और ये हो गया 2, फिर मल्टीप्लाई किया तो 4 8 8 8 4 आ गया, और दोनों को घटाया तो कट कर 0 आ गया, या कटे कम आना चाहिए, ज़्यादा नहीं आना चाहिए, बराबर आना चाहिए, बराबर आ गया तो गुणनखंड होगा, और अब अंत बराबर नहीं आया तो ये गुणनखंड नहीं होगा, ये ध्यान रखिए, ध्यान रखिएगा। ये अनुमान विधि हमारी 90% सफल होती है, 1-2% जो कभी अंतर आया तो यहाँ पर नहीं हो पा रही थी, लेकिन यहाँ देखो बराबर क्लियर हो गई है, तो इससे मतलब बहुत ही कम केसों में, बहुत ही कम सवालों में ये हमें कम करना पड़ता है, वरना अनुमान हमारा बिल्कुल सही आता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ओके, अब हमें आगे के वर्ग आगे के सवालों यानी प्रश्नावली
आगे के प्रश्न हल करना है, पहला प्रश्न हल करना है और हल करिए और काम नियमित करते जाइए। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, काम नियमित करते चलिए। भाग भगमूल में भाग विधि अवश्य आनी चाहिए, पूर्णखंड विधि और भाग विधि में अंतर बता दिया था। अगर श्या पद जीरो आता है तो ये पूर्ण वर्ग होगी, नहीं आता है तो ये पूर्ण वर्ग नहीं होगी। नियमित काम करते जाइए, अन्न के चक्कर में मत पड़िए कि हम आगे आगे चल रहे हैं और पीछे का काम हमारा कर ही नहीं रहे हैं। हमारा भी काम करते चलिए, पीछे आगे का नहीं कि आगे चल रहे और वो आगे बताते जा रहे हैं और गलत विधियाँ बताते जा रहे हैं वो भी लगाते चले जा रहे हैं। गलत विधियों के चक्कर में मत फंसिए, जो हम बता रहे हैं उस पर विशेष ध्यान रखिए। ये नियम है, नियम अवश्य ध्यान रखिए। पहले संख्याओं के जोड़े इकाई में बनाते हैं, अंश अता बनाते हैं। दो जोड़े बन गए, फिर वर्ग का पहाड़ा पढ़ते हैं कि दो अंक जो हमने दो अंक चुने थे उनसे ज़्यादा ना हो। ये याद रखिए, नियम है और ये नियम विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ये नियम हमने इसलिए बताया था। ओके।